इन पे खर्चा करेगी। रौ नई टोल प्लाजा है ये, और अयोध्या में हम लोग जो स्वागत हो रहा है वही बहुत ही भव्य हो रहा है। कितना अच्छा इन्होंने बनाया है जो, और करीब 6 बजे हैं और हम लोग अयोध्या जी में आ गए हैं। जब आपको मॉर्निंग में दिखाया था तो फिर उतनी नहीं थी, मगर आप देखो इतनी लंबी लाइन, सही टाइम पे भगवान जी ने हम लोग को दर्शन दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं शांति गुप्ता, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लिटर शांति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ठंडी बहुत है और आज हम लोग जाने वाले हैं अयोध्या जी, राम जी के दर्शन के लिए। तो अभी बजा हुआ है 4 और हम लोग अयोध्या जी से 100 किलोमीटर दूर हैं, तो अभी 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे सरयू स्नान और उसके बाद राम जन्मभूमि के दर्शन, गढ़ी हनुमान गढ़ी भी जाएंगे। और तो चलिए चलते हैं और जय श्री राम के नारे के साथ यात्रा को शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी सारी धुंध आ रही है, ऐसे लग रहा है कि कोई छोड़ रहा हो, और हम लोग कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, आप देख सकते हैं। सुबह के समय बहुत ही कोहरा था, एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं साइड में लग रहा है गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, पर भगवान जी की कृपा थी कि कोहरा छट गया और हम लोग आगे बढ़ते रहे। अहमदपुर टोल है, वेलकम टू यू अयोध्या। तो फ्रेंड्स, अयोध्या में हम लोग का स्वागत हो चुका है और ये अयोध्या टोल प्लाजा पड़ा है, ये है सेकंड टोल प्लाजा। नहीं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे ये देख सकते हैं आप, वो रौ नई टोल प्लाजा है ये, और अयोध्या में हम लोगों का सबसे महंगा टोल प्लाजा है। अयोध्या में हम लोगों का स्वागत हो चुका है, ये रौ नई टोल प्लाजा है और सबसे महंगा टोल प्लाजा है ना। तो सब लोग बैठे हुए हैं और दर्शन करने के लिए पूरे आतुर हैं हम लोग। और चलिए चलते हैं, देखिए खूब बांध बांध रखा है क्योंकि ठंडी बहुत है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग का अयोध्या में स्वागत हुआ है, यहाँ से 24 किलोमीटर दिख रहा है, अरे तो स्वागत तो हो गया, जिला तो लग गया अयोध्या। तो यहाँ पे आपको स्वास्तिक, त्रिशूल और इसी तरह के बहुत ही धार्मिक स्तंभ वो देखने को, सिंबल भी देखने को मिल जा रहे हैं। चलो दिखा रहे हैं। दीदी क्या बना सामने बड़ा करके लियो। तो फ्रेंड्स, पीछे आपने जो देखा था वो बस स्टैंड था और ये देखिए कितना भव्य, मतलब जो स्वागत हो रहा है वही बहुत ही भव्य हो रहा है। कितना अच्छा इन्होंने बनाया है जो यहाँ पे, ये देखिए। और करीब 6 बजे हैं और हम लोग अयोध्या जी में आ गए हैं। अब जाएंगे यहाँ से सरयू नदी। तो देखिए एक छोटा सा चेक पोस्ट भी है और ये देखिए कितना भव्य बनाया गया है एंट्री गेट, जहाँ पे जो ये प्रतिमा बनाई गई है इसमें सूर्य भगवान है अपने साथ घोड़े के साथ, मतलब पहले से ही ओज दिख रहा है ना। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा पार्किंग जोन और वहाँ से जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे एंट्री नहीं करवा रहे हैं। अगर आपके पास पास होता है तो, जो मतलब जैसे आप यहीं के वासी हैं या आपके पास पास हो तो गाड़ी आपके अंदर एंटर हो जाएगी, नहीं तो यहीं पर पार्किंग एरिया में आपको पार्क करना पड़ेगा जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको। और यहाँ से फिर पैदल अपनी 11 नंबर बस पकड़ के हम लोग को चलना पड़ेगा। तो वही 11 नंबर बस में हम लोग चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं। और ये है सुबह 6:30 बजे का नज़ारा और अब इसके बाद आपको उजेला दिखाई देगा, अभी देख लीजिए भोर। तो फ्रेंड्स, राम जन्मभूमि बनने पे पता चल रहा है कि हाँ ऐसे राज हुआ करता था। देखिए कैसे भव्य स्वागत हो रहा है और साइड में ये बने हुए हैं, बिल्कुल
उसी तर्ज में बने जैसे सूर्यवंशी होता है, उस टाइप का ही पूरा बना हुआ सूर्य बना हुआ, बीच में गोला टाइप का है और पूरा लग रहा है राजा महाराजा गेट में हम लोग एंटर कर रहे हैं और राजा जी से मिलने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे धर्म पथ देख सकते हैं कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है, दो चार छः भाषाओं में लिखा हुआ है। और जब अगर आप पिलर की तरह चलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरे पिलर में कुछ ना कुछ मिलता है। ऊपर ये देख सकते हैं आप मोर की डिज़ाइन का है और उसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है और गदा बना हुआ है सिंबल, और उसके ऊपर फिर पिलर है, फ्लावर है, और सबसे ऊपर सूर्य जैसा बना हुआ है गोलाकार। तो जिस पथ पर चले इसे धर्म पथ कहते हैं, तो भगवान जी जिस भी पथ पर चल रहे थे वो धर्म पथ ही था, मतलब धर्म के तरीके से ही वो सारा अपना अनुसरण कर रहे थे और हम लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और जय श्री राम के नाश्ते देखिए पीछे कैसे लोग लगा रहे हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम के सब लोग पीछे जयकारे लगाते हुए आ रहा है और इसी का उद्घोष करते हुए हम लोग भी बढ़ रहे हैं। और आगे आपको दिखाते हैं सरयू नदी, यहाँ आप देख सकते हैं राजा दशरथ का पुत्रों व वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश हुआ है, उसी को इसमें दर्शाने की कोशिश की गई। और आगे अभी काम प्रगति पे है, वो देखिए आगे वहाँ पे अभी बिल्कुल प्लेन है और इधर भी काम चालू है, धीरे धीरे काम मतलब चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ लता चौक में। तो अभी भैया देख सकते हैं कितनी बड़ी बनाई गई और भव्य बनी है, और ये इसी को लता चौक नाम दिया गया। और यहाँ से आगे गंगा नहाने के लिए, आगे सरयू नदी नहाने के लिए आगे चलेंगे। देखिए सुबह साफ सफाई चालू है पूरे पूरे अयोध्या नगरी को एकदम नीट एंड क्लीन रखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, लता चौक के सामने ये नया घाट है और हम लोगों ने यहीं पर स्नान किया था। सारे श्रद्धालु सरयू नदी की तरफ बढ़ते हुए राम जी का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब आजकल में ही, तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग सुबह अगर जल्दी जाते हैं तो वहां पे आपको हर जगह ही भीड़ कम मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 7 बजे स्नान कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने हनुमान घड़ी पे भी दर्शन कर लिए जल्दी से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही भीड़ बढ़ती है, तो हम लोगों को बहुत कम भीड़ का सामना करना पड़ा। तो आप लोग भी जल्दी जाइएगा। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए सरकार ने कितनी सुविधाएं की है आपको कपड़े बदलने के लिए, आराम से कपड़े बदलने के लिए आपको इस तरह के बैलेट बनाए गए, हर जगह बनाए गए पूरे घाट में। और उधर भी आप देख सकते हैं पीछे साइड में, तो फ्रेंड्स, हम लोग के हिंदुओं में ये मान्यता है कि अगर आपको जब भाव सागर पार करना हो तो ये आपका गाय का दान करना पड़ता है। तो जो पूजा आपने देखी वो गाय गौ दान की बोली जाती है, जो हम लोगों को भाव सागर पार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दे दिए हैं और अभी भी माहौल कोहरा वाला है पूरा, देखिए कोहरा दिख रहा है। और हम लोग आ चुके माता के किनारे, इतना कोहरा है इधर मेरे पीछे भी दिख रहा है, हमने भी दिख रहा है। अब चलते हैं, करते हैं स्नान, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और राम जी की नगरी में आके बहुत ही सुकून लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पूरा कहते हैं एटमॉस्फेयर पूरा राममय हो गया है। तो चलिए इसी श्रद्धा भक्ति के साथ चलते हैं, स्नान करते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं साइड में ताकि नहाने में आपको कोई दिक्कत ना हो और गहराई का पूरा ध्यान रखें। उधर साइड में नाव है, अगर आप नाव नवैया करना चाहे सरयू जी की नदी में तो वो भी कर सकते हैं। और सब लोग स्नान कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स स्नान करने के बाद हम लोगों ने खाए तिल के लड्डू और थोड़ा सा दान किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता करके निकल लिए हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे टीका लगवाया जा रहा था और टीका लगवाने के बाद ही तो पूरा राममय होगा, मतलब पूरे राम रोम रोम में बसेंगे। और वहाँ पे जो हल्का हल्के गाने बज रहे थे राम जी की, वो तो माहौल को और ही अच्छा कर रहे थे। और कैंडल लगी हुई थी जगह जगह जो पूरे माहौल को सुगंधित कर रही थी। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी होके हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे तो लता चौक में हम लोगों ने कुछ फोटो क्लिक कराई तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला, लड़की थी। उसने बोला भाई से कि जो गले में आपने डाल रखा है ये मुझे दे दो। तो भाई ने कहा क्या करोगी, तो बोली मुझे चाहिए ये। खुश हो? अच्छा है, वो डाल लो, डाल लो। अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है बोल दो। तो फ्रेंड्स राम जी की पावन धरती में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं जो यहाँ की हवा है लड़के आ रही है चेहरे में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग ई रिक्शा से जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए और 10-10 रुपये किराया लगा हुआ है, तो चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। जहाँ तक मोबाइल जा पाएगा वहाँ के आपके दर्शन हो जाएंगे और जहाँ नहीं होगा वहाँ की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगी। और जय जय का घोष सुनते हुए बहुत ही मतलब क्या बताएं, मतलब शब्द रहित है बताने से, बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय करिए लास्ट। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे दूर से आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को खाने का रहने का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है, मतलब आपको यहाँ पे होटल भी मिल जाएंगे और खाना भी मिल जाएगा ठीक ठाक रेट में दोनों चीज़ें। और यहाँ पे आपको निःशुल्क सुविधाएं भी हैं खाने पीने की, मतलब जगह जगह यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं जहाँ पे आप निःशुल्क भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और रहने की भी सुविधाएं यहाँ पे आपको धर्मशाला होटल सब अवेलेबल है, सब मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आके राम जन्मभूमि के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग पहले अयोध्या आए होंगे तो यहाँ पे सकरे सकरे रास्ते रहते थे और कितना चौड़ा कर दिया गया है कि कितनी भी भीड़ है पूरी मैनेज हो जाएगी। और सामने आपको हनुमानगढ़ी का बैनर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये सामने हनुमानगढ़ी आप देखिए पूरा लग रहा है भव्य मंदिर, हनुमानगढ़ी जी का भी सामने से पूरा फ्रंट आप देख सकते हैं, नहीं तो पहले छोटी छोटी दुकानों के बीच से होते हुए आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि पहले कितनी पतली गलियां थी, तंग गलियां थी। आप देखिए दूर से हनुमानगढ़ी के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लेंगे प्रसाद और फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। हम लोग पहुंच चुके हैं राम जन्मभूमि और आप अगर यहाँ पे पहले आए होंगे तो उससे बिल्कुल डिफरेंट आपको यहाँ का लुक देखने को मिलेगा, मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें और दूर से ही सारे भगवान जी के मंदिर दूर से ही प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाठी जन्मभूमि, अगर आप लोग आए होंगे तो देखिएगा कि बहुत सुखड़ा बिल्कुल रहता है पर अब बिल्कुल चौड़ा रास्ता राज दरबार जैसा ही पूरा माहौल दिखाई दे रहा है। और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या के
राजा राम जी से मिलने, और बहुत ही प्रसन्नता है मन में, सब बहुत खुश हैं। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन तो आप लोगों ने भीड़ देखी थी कितनी थी, पर आज थोड़ा रिलीड है। आप ये देख सकते हैं, नहीं तो पहले यहाँ से पूरा खचाखच भरा हुआ था और बाहर तक आप लोगों को पूरा भरा हुआ दिखाई देता था। सो फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं ये है राम जन्मभूमि परिसर। जब ये आप समझ लीजिए परिसर इतना बड़ा है तो भगवान जी का जो मंदिर है वो कितना बड़ा होगा। बहुत ही भव्य मंदिर था, अभी तो कार्य प्रगति पर है, पर जब आप दर्शन करोगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि कैसा है वहाँ का जो फील, बहुत अच्छा था वहाँ पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद आपको जूते चप्पल उतारने के लिए उचित व्यवस्था दी जाएगी, आपका सामान रखने के लिए लॉकर आपको प्रेजेंट है, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, इसकी वजह से लॉकर में आप सारा सामान रख जाएगा, फ़ोन भी रख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी कार्य प्रगति पे चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है भगवान जी की, जैसा कि आप सभी को पता है, पर अभी निर्माण कार्य अभी जारी है, तो अगली बार जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तब, तो अभी फिलहाल आप लोग अभी इंजॉय करिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जो भीड़ है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप स्लीपर उतार सकते हैं, उसकी सुविधा दी गई, निःशुल्क है, और यहाँ पे आपका लगेज रखने का स्थान है, तो देखिए सब लोग लगेज धर रहे हैं। ये है लॉकर, यहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हैं, और लॉकर की काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे की गई है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। तो फ्रेंड्स, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जब हम लोग भगवान जी के मंदिर के अंदर घुसे कि जैसे स्वर्ग में एंट्री हो गई। तो फ्रेंड्स, सच में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोग स्वर्ग में आ गए, और बस हम लोगों को अपने जीवन का लेखा जोखा वहाँ देना है, मगर आगे पता चला कि हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना, जाके भगवान जी के सिंपल से दर्शन किए गए, और जो दर्शन थे वो बहुत ही अविस्मरणीय, अद्भुत, मतलब जितना अद्भुत बोला जाए उतना कम है, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। और यही द्वार है राम जन्मभूमि का, बहुत ही अद्भुत था। भाई तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग 2 दिन का टूर बना के आइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। हम लोगों के पास समय की कमी थी तो इसलिए हम लोग ज़्यादा जगह नहीं गए, और हम लोग यहाँ हमेशा आते रहते हैं तो हम लोगों का सब घूमा हुआ भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी दिखाई, आप ये सामने भीड़ भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। और इसके अलावा भी आप नागेश्वर टेम्पल, वाल्मीकि आश्रम, और दशरथ महल, कनक भवन, बहुत सारे प्लेसेस है घूमने के लिए। आपको मॉर्निंग में दिखाया था तो भीड़ उतनी नहीं थी, मगर आप देखो इतनी लंबी लाइन, सही टाइम पे भगवान जी ने हम लोग को दर्शन दे दिया, बिना भीड़ के अच्छे से दर्शन हो गए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अयोध्या आने की प्लानिंग कब करें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।